एक खबर आपको बता दें, कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन की मौत हो गई है। बाघिन MT2 की मौत की खबर सामने आई है। बाघिन की मौत की वजह हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कुछ दिन पहले बाघ MT3 की भी मौत हो गई थी। वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बाघिन MT2 की मौत के बाद से ये सवाल और ज्यादा गहराने लगे हैं। दरअसल इससे पहले MT3 की कुछ दिन पहले मौत हुई थी। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की यह खबर है, जहां बाघिन MT2 की मौत हो गई है। मौत के पीछे की वजह क्या है यह अब तक साफ नहीं है, लेकिन यह चिंताजनक स्थिति जरूर है। हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। हिमांशु, मौत क्यों हुई अब तक साफ नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंतराल में दो बाघों की मौत सवाल खड़े करता है सिस्टम पे। देखिए अभिनव, बहुत स्पष्ट ये कि राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाद में बड़ी उम्मीद की जा रही थी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व सेंचुरी के साथ में, और जैसे ही यहाँ पर बाघों की शिफ्टिंग शुरू हुई उसके बाद में एक उम्मीद की जाने लगी थी बड़ी कि कोटा की जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है वो बाघों से गुलजार होगी और बड़े पर्यटन हब के तौर पर ये डेवलप हो पाएगी। निश्चित तौर पर उम्मीदें बड़ी थी और खुद जो लगातार इसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो भी गंभीर थे। बाघों का लगातार यहाँ पर शिफ्टिंग किया जा रहा था, लेकिन अब से कुछ दिन पहले MT3 की मौत हुई और उसके बाद में अब MT2 की मौत की दुखद खबर आई है। बाघिन MT2 की मौत हुई है। फिलहाल वह मौत की वजह क्या रही ये स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए। बिल्कुल तमाम जो आपको एक बड़ी जानकारी ये और दें कि अब से कुछ दिन पहले यानी करीब 3 महीने पहले बाघिन MT2 ने 2 शावकों को जन्म दिया था। वो शावक भी फिलहाल छोटे छोटे हैं, फिलहाल अपने आप में। अब उसके बीच में उनकी माँ का उनसे जुदा हो जाना ये भी एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। तमाम जो पर्यावरणविद है, तमाम जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स है वो भी MT2 की मौत के बाद में कहीं ना कहीं अपना जो खेद है वो प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं, दुख प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप में अब कई सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं कि आखिर 10 दिन के अंतराल में 2 बाघों की मौत मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वन विभाग पर सवाल खड़े होंगे। 10 दिन के भीतर 2 बाघों की मौत, और सबसे अहम बात कि मौत के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है, तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से एक बुरी खबर के तौर पर जरूर सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।